देखिए मूल मंत्र है हमारे जपजीत साहब जो हमारा पार्ट है उसकी पौड़ी है और जैसे हर सिंगर ने जो शेखर ने अपनी आवाज़ में हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया है वैसे ही कनिका पंजाबी हैं और बहुत सारे पंजाबी और सिख हैं जो ये मूल मंत्र सुनते हैं दुनिया में और भी बहुत नॉन पंजाबी भी हैं जो मूल मंत्र सुनते हैं ओंकार सतनाम और रंग दे बसंती फिल्म में भी आया था आपने सुना था वो हर्षदीप कौर ने गाया था तो हर सिंगर का कोई की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है उनके अपने चाहने वाले होते हैं तो अच्छी बात है कि जो आवाज़ बीबी डॉल और चिट्टियाँ कलाइयाँ जैसे गानों में यूज़ हुई है वो आज उन्होंने मूल मंत्र रिकॉर्ड किया है तो जितने भी लोग उनकी आवाज़ को लाइक करते हैं वो अब उनकी आवाज़ में अपना फेवरेट मूल मंत्र सुन पाएंगे तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टाइम्स की तरफ से कनिका के साथ जब भी गाना रिकॉर्ड करते हैं तो एक बात किसी को पता नहीं है पहले दिन से जब वो लंदन से आई थी तब से लेके आज तक एक जैन सैंडविच है बहुत बड़ा सा इतने बड़े साइज़ का होता है वो बिना खाए वो गाना नहीं गा पाती वो तो वो हमको पहले दिन से आज तक आज भी हमको पहले वो खिलाना पड़ता है उसके बाद उनकी आवाज़ बाहर निकलती है तो मूल मंत्र के पहले भी जरूर उन्होंने वो सैंडविच खाया होगा ये शायद किसी को पता नहीं है कि वो जैन सैंडविच खाए बगैर गा नहीं पाती और अभी हमारी नई हमने अपना म्यूज़िक यूट्यूब चैनल और म्यूज़िक लेबल लॉन्च किया है जिसमें हम लोग अपने और 5-7 आर्टिस्टों के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इसमें कनिका के साथ हमारा बहुत अच्छा गाना आ रहा है मिस पूजा के साथ आ रहा है नेहा बसीन के साथ आ रहा है तो ये गाने हम खुद अपने खुद के ज़रिए से रिलीज़ करेंगे मीत रोज MB म्यूज़िक के थ्रू और ये आर्टिस्ट बेस्ड कंपनी है तो ये म्यूज़िक जो आएगा ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है बहुत बहुत अच्छे गाने हैं और अपने अच्छे चुनिंदा जो हमारी धुनें थी जो अच्छे गाने थे वो हमने छुपा के रखे थे इसके लिए वो बाहर निकाले हैं जो फिल्मों में नहीं दिए और क्योंकि फिल्मों में गाना जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से फिर वो शूट हो जाता है ये आर्टिस्ट का गाना है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो कनिका के साथ दो गाने हैं जो अभी आएंगे अगले 2 महीने में और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को शादी पे और पार्टीज़ में डांस करने के लिए 2 गाने और दे रहे हैं देखिए रिक्रिएशन जो हो रहा है आजकल वो ऐसा है कि जब पहले 2-4 गाने हुए तो नहीं चले फिर और 2-4 हुए तो वो चल गए तो फिर लोगों को अच्छे लगने लगे तो बहुत बड़ी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनको रिक्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सी ऐसा हमारा यूथ है जो 16 से लेके जो 22 साल का जो यूथ है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा संख्या है हमारे हिंदुस्तान की वो म्यूज़िक सुनते हैं उन्होंने ये गाने सुने ही नहीं है तो जब ये गाने दोबारा आते हैं तो इसी बहाने वो गाने जिंदा हो जाते हैं कुछ अच्छे बनेंगे कुछ ख़राब बनेंगे जैसे हम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि हमको ओरिजिनल म्यूज़िक पसंद है फिर भी हमने मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनाया था वो बहुत हिट हुआ हाई हील्स बनाया था गर्ल बन गई बनाया था तो वो सब गानों लोगों ने बहुत पसंद किया और सब आज 150-200 मिलियन हिट्स पे गाने खड़े हुए हैं पर कुछ गाने होते हैं जो रिक्रिएट नहीं हो पाते ठीक से लोगों को नहीं अच्छे लगते लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं तो उन पे जो लोग बनाते हैं उसको उनको गालियाँ भी पड़ती हैं बट अब ये हर तरीके की दुनिया है बहुत बड़ा हमारा हिंदुस्तान में म्यूज़िक सुनने वाले अरबों में है तो फिर कुछ लोगों को वो पसंद है वो पसंद है तो हर किसी के लिए हर तरीके का म्यूज़िक बनाना ही पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री देखिए ये ऐसा एक मुद्दा है जो अभी हमारे देश को बहुत टाइम से ये एक तरीके से वॉर चल रहा है हमारी देश की लड़कियों के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही सेफ नहीं फील करती तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है और मतलब कभी कभी शर्म भी आती है कि अब जिस देश में रह रहे हो उस देश में हो रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा है इस चीज़ को तो मतलब कोई शब्द नहीं होते कि हम भी बच्चेदार लोग हैं तो अपने बच्चों को हम जब भेजते हैं स्कूल भेजते हैं बाहर भेजते हैं तो मन में हमारे ख्याल आता है यार कि जबकि हमारे पास अब सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है फिर भी घबराहट होती है तो इसलिए ये मूल मंत्र जैसा रिकॉर्ड किया है कनिका ने इन चीज़ों से शायद लोग अपने अंदर की जो आत्मा है उसको प्योर करें उसको जगाएं और आगे मतलब ऐसे कोई भी विचार भी आने से पहले एक बार सोचें यार कि किसी की ज़िंदगी और किसी पूरी जब ऐसा किसी के साथ होता है तो परिवार उसमें बहुत दुखी होते हैं और ऐसी बद्दुआएं लेके इंसान फिर मतलब कैसे जीता है मेरे को समझ नहीं आता
I'm speechless, actually. I did not expect this. This is great. I'm very excited. And finally, after a long time of trying and trying and retrying, मैं आप सबको बता दूं, हमने ये डेढ़ साल पहले, शायद उससे भी पहले से ये बातचीत चल रही है हमारी. एंड मैंने एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और मुझसे नहीं हुआ. एक बार और उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और मुझसे नहीं हुआ. एंड ये बात नहीं थी कि मुझसे नहीं हुआ, ये इतनी स्पेशल इतना ये एक सिमरन है, इतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं अपने आप से उस अपने जैसे मैं गा रही थी उससे खुश नहीं थी. सो इट टुक टाइम बट इवेंचुअली दिल से निकली हुई आवाज आज आप सब लोग तक पहुंच गई है. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड उतनी नर्वस हूँ कि जितनी मैं सबसे पहले दिन थी जब मैं यहाँ बॉम्बे आई थी. एंड क्योंकि एक नई जर्नी है एंड मैं और भी बहुत अच्छे और नए और पुराने गीत और भजन और कुछ और सिमरन गाना चाहती हूँ जो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं. एंड एक नई जर्नी है मेरे लिए. आई थिंक इट्स द फ्रूट, इट्स अ फूड फॉर आवर सोल. एंड हर इंसान को जिस चीज में जो 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 भी कुछ जो कुछ सुनने में जिसको खुशी मिले, दिस मूल मंत्र इज वन ऑफ द प्रेयर्स व्हिच आई हैव बीन लिसनिंग टू फॉरएवर. जब मैं लंदन में थी तब मैंने पहली बार 20 साल पहले उसे सुना था. एंड दैट्स इट, आई एम हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much for being here and everyone and the team for giving me this opportunity. Thank you. And I think, you know, this must be divine intervention. पहली बार उनको नहीं अच्छा लगा कि मैं फिर से कोशिश करती हूँ. And it was divine intervention. And when it happened and how? बोले ईशान. I will tell Mr. Suri to honor Mr. Manmeet Singh with the saropa. And I will love Saropa for Mr. Niku Harpreet Singh, who has been part of this. I will now